नमस्कार। ये साल सिंह राशि के लिए कैसा होगा देख लेते हैं। तो ये टैरो प्रेडिक्शन सिंह राशि वाले लोग के लिए है। तो ट्रेजर आइलैंड पहला कार्ड है, ट्रेजर आइलैंड। इसका मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था पिछला साल, जो भी बिजनेस में लॉस हुआ है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वो लॉस हो गया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया, प्रॉपर्टी खरीदा या फिर जो भी है खर्चा हो गया, या फिर आप जैसे जो भी है लॉस हुआ है वो सब आपको इस साल ठीक हो जाएगा। तो इस साल बहुत ज़्यादा पैसा आने का चांस है, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको एक अच्छा नौकरी मिल सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो एक बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। तो आपका जो भी फाइनेंशियल इशू है वो सब सॉल्व हो जाएगा इस साल, ठीक है। तो नेक्स्ट है फोक इन द रोड। तो एक सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो और आपको डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, चाहे वो रिस्क लेने में आपको परेशान हो रहा है, या फिर आप अटैचमेंट की वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और डिसीजन यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, ये करना है या वो करना है, वो सब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको। तो यहाँ पे को क्रिएट, इसका मतलब आपको जो भी है बिजनेस या फिर काम में, ऑफिस में, या फिर आपको घर बनाना है या रिश्ता ठीक करना है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको आपकी फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर पार्टनर की बहुत ज़रूरत पड़ेगा, या फिर आपकी कोलिग्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो मदद लेना, आप ईगो मत रखिएगा, अगर मदद चाहिए तो मांग लीजिए, और मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इस साल, ठीक है। तो मदद की वजह से ही आप बढ़ सकते हो। नो प्लेस लाइक हो, मदद मतलब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट या फिर जो भी है सोशल सपोर्ट, वो सब आपको लेना पड़ेगा ही। उसके बाद है नो प्लेस लाइक हो, तो आप अपने फैमिली को मिस कर रहे हो, या फिर आपके फैमिली आपको बहुत मिस याद कर रहे हैं, तो आप अपने घर होम टाउन विजिट कर सकते हो इस साल, या फिर आपके फैमिली आपको सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। घर में कुछ काम चल सकता है, जैसे रेनोवेशन का काम या कुछ फिक्सिंग का काम हो सकता है, या फिर घर में आप घर शिफ्ट भी कर सकते हो, नया वाला घर खरीद सकते हो, या नया वाला घर में आप शिफ्ट भी हो सकते हो, रिलोकेशन का चांस है। या फिर फैमिली में कुछ इशू चल रहा था, या हेल्थ इशू या फाइनेंशियल इशू या कुछ झगड़ा चल रहा था, तो वो सब ठीक हो जाएगा इस साल, ठीक है। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर आप घर बनाने के सोच रहे हो तो मदद की वजह से आप कर लोगे। तो प्लानिंग और आपका स्ट्रैटेजी चल रहा है अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या घर बनाने के लिए, या फिर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, या फिर रिश्ता ढूंढ रहे हो आप, कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स या कहीं से रिश्ता भी ढूंढ सकते हो आप। तो वो जो भी आप कर रहे हो अभी प्लानिंग स्टेज में हो रहा है, आप अपना एफर्ट, अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट डाल रहे हो। उसके बाद है टाइम टू गो। तो अभी टाइम आ गया, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम में फंस चुके थे पहले पिछला साल, या फिर कुछ रिश्ते में झगड़ा हो गया, तो अभी इस साल आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अपने पास्ट को छोड़ के आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास्ट में जो भी हो सकता है, ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा, या कुछ लॉस हुआ होगा, या कुछ भी है पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा और मूव ऑन होना ही पड़ेगा। चाहे और आप किसी के हेल्प ले सकते हो उसके लिए, या फिर जो भी है, बट आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। उसके बाद है डीप नोइंग। तो आपको जो भी वो प्रोजेक्ट में नॉलेज चाहिए वो सब आपको मिलेगा। आप एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी कर सकते हो, और स्टूडेंट्स हो तो आपका इस साल बहुत अच्छा होगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे और अच्छा मार्क्स भी लेके आओगे। और आप थोड़ी बहुत लोग के लिए ये भी अंदर ही अंदर पता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है आपके लिए, ये बिजनेस ठीक नहीं है आपके लिए, तो आपके अंदर की मन की बात सुनिएगा, क्योंकि आपके मन में आपको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन लेना है, आपके ऑलरेडी पता है। तो आपकी मन की बात सुनिएगा, ब्रीथ। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकता है आपको, तो इस साल थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा अच्छा खाइए, और बैड हैबिट्स वो सब थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और हेल्थ का ख्याल रखिएगा।
और थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन वो सब कीजिए, ठीक है? उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उसके बाद है क्लीन इट अप, तो थोड़ा सा घर का काम हो सकता है, घर का सफाई या फिर रेनोवेशन का काम हो सकता है। और एक और चीज़ है क्लीन इट अप, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको आपके ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव पीपल है, नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं आपसे जुड़ जुड़ के, वो सब आपको फेंकना पड़ेगा, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव लोग हैं उससे दूर रहिएगा, उन लोगों को छोड़ दीजिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब फेंक दीजिएगा। तो क्लीन, अभी आपका ज़िंदगी क्लीन करने का टाइम आ गया। उसके बाद है यान, तो अभी तक आपने बहुत ज़्यादा दी जैसे लिया है सबसे, तो अभी देने का टाइम आ गया, तो अभी आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने सॉरी, तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ सॉरी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ दिया है सबको, प्यार दिया है, पैसा दिया है, सपोर्ट दिया है, सब कुछ दिया है। अभी आपका टाइम है लेने का, रिसीविंग का टाइम आ गया, तो अभी आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब किसी ना किसी से आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद है मेंडिंग, तो आप ट्राई कर सकते हो ये रिश्ता ठीक करने के लिए, या फिर ये जो भी आपका फैमिली इश्यूज चल रहा है उसको ठीक करने का करने का टाइम आ गया है इस साल। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, फैमिली इश्यूज या फिर बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसको ठीक कर लोगे। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो उसको ठीक करने की आप कोशिश करोगे, पर वो ठीक होगा कि नहीं वो आगे जाके पता चलेगा। तो क्योंकि आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो ये मूव ऑन का मतलब पूरा कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं बता सकते, ये टेम्परेरी सेपरेशन भी हो सकता है। तो मे बी अभी के लिए आप दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा, ताकि आपको ये रिश्ते के वैल्यू समझ में आ सकते। जैसे आपके पार्टनर को ये वैल्यू समझ में आ जाएगा, आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोनों ये रिश्ते को सही करके, मेंडिंग मतलब सही करना, तो रिश्ते को सही करके आप दोनों एक साथ एक नया वाला रिश्ता शुरू कर सकते हो। ये है हियर एंड नाउ, मतलब आपके पास्ट और प्रेजेंट, आई मीन आपके पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, या फिर पास्ट में ये हुआ है, गिल्ट फीलिंग, ये सही हो सकता है, मैंने मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वो सब सोचना बंद कीजिएगा। और अभी जो प्रेजेंट है उसमें जीना सीखिएगा, प्रेजेंट को एन्जॉय कीजिए। अगर प्रेजेंट में दिक्कत हो रहा है तो उसमें उससे आप सीखिएगा, लेसन सीखिएगा, एक्सपीरियंस लीजिए। और अगर अच्छा हो रहा है तो उसमें एन्जॉय कीजिएगा। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है? जैसे ज़िंदगी जा रहा है वैसे जाने दीजिए। उसके बाद है थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रिकन्सिलिएशन मतलब आप किसी एक्स को आप मीट कर सकते हो, या फिर आपके जो रिश्ता ठीक नहीं था, आपका ब्रेकअप हो गया था, वो इंसान आपसे दोबारा जुड़ सकते हैं, वो इंसान वापस आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, पर यहाँ पे है मेंडिंग। मेंडिंग मतलब फिक्स करना, तो आपके जो जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था वो सब फिक्स होके आप दोनों जुड़ सकते हो। उसके बाद है दिस कुड बी द वन, तो जो भी इंसान आप अभी फिक्स्ड हो, जो भी इंसान के साथ आप अभी हो, झगड़ा चल रहा है, मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगा, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो वो पूरा फिक्स होके सही होके आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ जाओगे। और यही इंसान आपका फ्यूचर पार्टनर है, ठीक है? आपका सोलमेट कनेक्शन है। उसके बाद है ट्रस्ट, तो अभी अगर ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, फिर से पूरा ठीक होके जब जुड़ेगा, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा ये रिश्ते के मामले में, ठीक है? तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रस्ट इश्यूज थोड़ा सा रिजॉल्व कर दीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा। जैसे जा रहा है ज़िंदगी वैसे जाने दीजिए, और एक दूसरे को फ्रीडम दीजिए। आप दोनों सोलमेट है, तो प्यार तो है, रोमांस है, सब कुछ है, पर सिर्फ ट्रस्ट का इशू है, वो थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है? तो अभी देख लेते हैं आपके इंसान के माइंड में क्या है। आई थिंक आर लव वॉज सुपरफिशियल, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपका लव
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है। तो ये जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है वहीं पे झगड़ा, तो वो सब होता है ना, तो वही आपके पार्टनर को लग रहा है। तो बट आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये रिश्ता बहुत अच्छे से जाएगा, बस थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपके गार्डियन एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो ये है स्टैंड योर ग्राउंड, तो अपने आप को नीचा मत सोचेगा या फिर अपने आप को नीचा मत डालेगा, अपना सेल्फ एस्टीम को छोड़िएगा मत, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को मत छोड़िएगा। आपका जो भी मन की बात है वो सुनिए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कीजिएगा। ये जो रिश्ता है आपका या फिर बिजनेस है उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी लाना पड़ेगा। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ताकि आपका ज़िंदगी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अच्छा जाएगा। तो अभी मैं ये कार्ड शफल करूँगी, तो आपका जो भी विशेस है आप सोच लीजिएगा मन में, तो मैं बताऊँगी कि वो सच होगा कि नहीं, अगर होगा तो कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपका जो भी विशेस है वो सोच लीजिए। ठीक है, तो ये विश आपका पूरा होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, जब आप रेडी होंगे तब ये विश आपका पूरा हो जाएगा 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, तो अभी यही है प्रेडिक्शन आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वो लाइक बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। बस इतना ही, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।